प्रदेश में ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह चौहान और बेटे कार्तिकेय चौहान ने शिवराज सिंह चौहान की जीत का प्रमाण पत्र लिया। मीडिया से चर्चा करते हुए साधना सिंह ने कहा कि यह जीत क्षेत्र की जनता को समर्पित है। उन्होंने शिवराज जी के बिना बुलाए चुनाव लड़ा, जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, यह सर्टिफिकेट जनता को समर्पित करती हूँ। मैं सबसे पहले हमारे बुधनी विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को, उन बहनों को, उन भाइयों को, उन भांजों को और भांजियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ जिन्होंने अपने भैया को बिना बुलाए इतने ज्यादा मतों से जिताया है। मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और ये जो सर्टिफिकेट है ये उनको समर्पित करती हूँ जिन्होंने अपने भैया को ऐतिहासिक विजय दिलवाई है। वहीं सीएम के बेटे कार्तिकेय चौहान ने भी जीत का श्रेय जनता को देते हुए क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। सीहोर, इछावर, आष्टा, बुधनी, ये हमारा संकल्प था कि जिले की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा रंग लहराए। आज मैं इन चारों क्षेत्रों की जनता को सबसे पहले अपने हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहता हूं। सीहोर जिले के मेरे सभी साथियों, हमने जो संकल्प लिया है वो केवल जीतने तक सीमित नहीं है। इतनी बड़ी प्रचंड जीत देकर आपने हमें जिम्मेदारी भी दी है और इस जिम्मेदारी को पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाना, चाहे बुधनी हो या सीहोर के बाकी विधानसभा क्षेत्रों इछावर, आष्टा और सीहोर, इन सब की जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये दिन रात एक करके आपकी आकांक्षाओं पे खरा उतरेंगे और ये साबित करके दिखाएंगे कि जो मैंडेट आपने हमें दिया है हम सचमुच में उसके लायक हैं। हम आप सबको बहुत सारी बधाई देते हैं। और रहा सवाल छोटी मानसिकता का, तो मैं ये मानता हूँ कि जो नतीजे आज टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो अपने आप में एक कहानी बयां करते हैं, उसके अलावा कोई शब्द कहने की आवश्यकता नहीं है। सत्य की जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आई है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जीते हैं और हमारे प्रदेश के, हमारे जो नेतृत्व है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं जो चुनाव लड़े थे और जो चुनाव नहीं लड़कर भी काम कर रहे थे, उन सबके नेतृत्व में हम जीते हैं, सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और सबसे अंत में और सबसे जरूरी, मैंने खुद पोलिंग की लड़ाई बुधनी में भी देखी और मैं जानता हूं कि पूरे सीहोर में यहाँ पे जो कार्यकर्ता साथी आप सब ने भी खूब मेहनत करके पोलिंग बूथ अपना अपना जिताया। आप सब पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता हैं और आप सब जिन्होंने पोलिंग बूथ जिताया है, पोलिंग बूथ पर कैसे विकास हो आप भी इसकी योजना बनाएं। ये सुनिश्चित होना चाहिए कि आप लोगों के माध्यम से जिनने पोलिंग जिताई है उनके माध्यम से ही विकास जनता तक पहुंचे। इसलिए अभी तो हमने जीता है बुधनी और आगे हमें दिल भी जीतना है पूरे सीहोर का। बहुत बहुत धन्यवाद।